हेलो एवरीवन। सो कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्री। मंथली चार्ट लगा हुआ है, डेट है 29 अगस्त। सो ऑलमोस्ट मंथ क्लोज होने ही वाला है और मूवमेंट देखिए कैंडल्स की मंथली चार्ट पे तो खास नहीं है। लगातार प्राइस गिरते हुए दिख रही है नीचे के साइड में। लास्ट मंथ भी ऐसे निकला था, ये मंथ भी कुछ ऐसा ही है। अगर मंथली चार्ट पे कैंडल्स को देखा जाए तो कोई भी साफ कह सकता है कि इसका जो अप ट्रेंड था वो एंड हो चुका है, कैंडल्स डाउन ट्रेंड में एंटर हो चुके हैं, यानी कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, बट इसमें और भी कुछ है देखने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली पे, वीकली पे, तो उसको हम समझेंगे कि अपना जो सपोर्ट बन रहा था लास्ट टाइम वाला वो ब्रेकआउट हुआ है, उसका ब्रेकडाउन हुआ या फिर नहीं। ठीक है, बट इससे पहले यहाँ पे हम अपना ब्रेकआउट पॉइंट बनाएंगे। यहाँ पहले अपने को ब्रेकआउट मिला था कब का, कुछ ये लेवल था। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कुछ एक ये लेवल था डेली चार्ट के ऊपर, यहाँ पे कल दिन की रहती है, डेली चार्ट लगा हुआ है, कुछ ये लेवल था। यहाँ पे कैंडल्स ने पहले तो उसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल फेस किया कुछ इस लेवल पर। ठीक है, मतलब ब्रेकआउट करने के लिए। ठीक है, अब कैंडल्स फिर से जब प्राइस नीचे आ रही है तो यहाँ भी काफ़ी स्ट्रगल कैंडल्स फेस कर रही हैं। ठीक है, बट एक चीज़ देखी जाए तो यहाँ पे ज़्यादा पैनिक होने वाली मूवमेंट नहीं है जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था। उसका रीज़न क्या है ये समझते हैं, इसके वॉल्यूम्स। आप पूरे वॉल्यूम्स देखो, यहाँ से मैंने बॉक्स बनाया, अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। जब प्राइस चलने की बारी आई वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे थे, जब प्राइस साइडवेज गया इस टाइम पे तब वॉल्यूम्स यहाँ पे डिक्रीज हैं। जब प्राइस ने ब्रेकआउट किया इस लेवल का तो वॉल्यूम इंक्रीज थे, जब प्राइस यहाँ का ब्रेकआउट देखी गई तो वॉल्यूम यहाँ भी इंक्रीज थे, जब प्राइस ने नया हाई बनाया तो यहाँ ही वॉल्यूम्स था, जब प्राइस गिरना चालू हुए तो यहाँ वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो हैं। यानी कि वॉल्यूम सपोर्ट हैं, वॉल्यूम्स बता रहे हैं इस मूवमेंट में कि यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ भी बायर्स जीत सकते हैं। अभी बायर्स और सेलर्स एवरेज हैं, पॉइंट पे हैं। जैसे ही सेलिंग इसमें ख़त्म होती है वैसे हो सकता है कि बायर्स अपने हाथ में कमांड लेके प्राइस काफ़ी अच्छे से ऊपर मूवमेंट कर दी जाए और यही लेवल अपने लिए स्टॉप लॉस भी बनेगा। यानी कि ये लेवल बना हुआ 482.65 का, ये अपने लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साबित हो रहा है इस टाइम पे, तो इसको हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपने लिए स्टॉप लॉस सपोर्ट समझ सकते हैं। कैंडल्स अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे निकलती हैं, यानी कि डेली पे या वीकली चार्ट पे कैंडल्स इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देती है अपनी सपोर्ट लाइन का, तो इट मीन्स हम ये मानेंगे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। बट अभी का मूवमेंट देखा जाए डेली चार्ट पे तो साफ देख रहे हैं कि फिलहाल कोई भी कैंडल ऐसी नहीं जिसने क्लोज नीचे दिया हो। अगर किसी ने किया भी है, इस कैंडल ने किया है, किसी कैंडल ने किया भी है, तो अगली कैंडल फिर से ऊपर प्राइस को खींच के ले गई है। तो फिलहाल अब भी यही चीज़ बन रही है जो आज की कैंडल बनी है। आज की कैंडल देखिए, कैंडल रेड है, ठीक है, फिर भी जो क्लोजिंग करी है वो कहीं ना कहीं ऊपर करी है, नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है, लोग के पास क्लोजिंग कैंडल्स नहीं करी है। तो बस वही है, कहीं ना कहीं बायर सेलर से ज़्यादा स्ट्रांग है एंड प्राइस कभी भी इसके अंदर घूम सकती है ऊपर की साइड में। सो बाकी देखेंगे फ्यूचर में कैंडल्स और क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं, क्या लेवल्स ब्रेकआउट देगी या फिर नहीं। सिर्फ फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ओनली। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।